राधे राधे एवरीवन। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और फुले फुले भटूरे। तो इसके लिए हमने ये आधा किलो मैदा ले लिया है। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, एक कप सूजी डाल देंगे, ये छोटा हमने कप ले लिया है, एक चौथाई चम्मच ये हमने सोडा डाल दिया है, खाने वाला ये सोडा है, और ये हमने एक कप छोटे गिलास से हमने ये एक गिलास एक कप के बराबर ही हमने ये दही डाल दिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इस गिलास में जिसमें हमने ये दही लिया था उसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटे को ज़्यादा गूंथना नहीं है, इसी तरह इसको करके और हम इसको 3-4 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये हमारा डो फूल जाएगा बढ़िया से। हाथों में थोड़ा सा तेल लेके ऊपर से इसको चिकना कर देंगे और 3 घंटे के लिए इसको ढक के हम रख देंगे रेस्ट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 3-4 घंटा हो गया है, आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। तो हाथों में तेल लगा के इसको अच्छे से हम फिर से, ये देखिए कितना मुलायम फूला आटा गूंथे हैं। तो इसी तरह भटूरे का आटा हम बहुत ही सॉफ्ट गूंथना होता है, इससे हमारे भटूरे बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं, फूले फूले। हाथों में तेल लगा के एक एक लोई ले लेंगे हम इस तरीके से। फिर हम चकले पे अच्छे से तेल को लगा देंगे इस तरीके से। बेलन में भी ऐसे ही तेल हम, अब इसको हम एक लोई ले लेंगे और इसको हल्के हाथों से बेलना है। इस तरीके से हमने ये गोल बेल लिया है पूरा बढ़िया से भटूरा। इधर हम ये ऑयल गरम करने के लिए रख दिए हैं कढ़ाई में। तो ये हमारा ऑयल लमसम गरम हो ही चुका है, तो अब इसमें हम भटूरे डालेंगे। इस तरीके से ये हमारे नरम नरम सॉफ्ट भटूरे बनके रेडी हो गए फ्रेंड्स। ये हमने दूसरे भटूरे भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भटूरे हमारे बनके रेडी हो गए, स्वादिष्ट भटूरे। इसको आप छोले के साथ और प्याज के लच्छे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे, और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे कितने मुलायम और कितने क्रिस्पी ये भटूरे बने हुए हैं अंदर से, ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने पतले। तो इसी तरह आप भी बनाइए और खाइए और हमें अपने कमेंट लिख के बताइए कि कैसे बने हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।